नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे घर पे सुर्खी में सागर मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कुछ लोग जो मेरे दोस्त थे, मेरे जो सरस्वती शिशु मंदिर में जो आचार्य लोग थे, वो सभी बलहरा गए और बलहरा में पथ संचलन उनका हुआ और ये ड्रेस वगैरह सब उन्होंने पहनी। और उसके बाद जो है आज मुझे फ्रैक्चर में थोड़ा आराम लगा। और उसके बाद शाम को शेर नचने के लिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सभी आए और यहाँ सामने काली जी के सामने सभी नाचे और मैंने वीडियो बनाई थी और उसकी जो वीडियो है आपको सागर दस्तक न्यूज पर ही मिल जाएगी। और इसके बाद वीडियो बनाने के लिए आज मैं बहुत ही उत्साहित रहा और वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई और बहुत ही रुचि के साथ बनाई, क्योंकि आज मन भी लग रहा था, अच्छा मौसम भी था। उसके बाद अष्टमी की पूजा के लिए मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने बहुत तैयारी की, दिन भर वो लगी रहीं और उसकी वजह से वो थक गई थीं तो उनकी हालत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद माता की आरती भी हुई सामने और माता की आरती के लिए सभी नवदुर्गा धाम ऊपर जो है पठा के पास, पठा रोड पर है, बीच में ऊपर टोरिया है, चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ नवदुर्गा की आरती हुई। और कुछ लोगों ने मेरे फ्रैक्चर के बारे में भी पूछा तो उन्होंने करैया में दवाई मिलती है एक हाई स्कूल के सामने कहीं, और भाई राम जो अहरवार हैं वो दवाई देते हैं फ्रैक्चर की हड़जोड़, वो भी उनके उसके बारे में बताया। तो साथ वाले कॉलेजों के यूनिवर्सिटी है सागर यूनिवर्सिटी, उसके जो हैं मेरे मित्रगण, उन्होंने रानगढ़ के पास जो गौरीदात की गुफाएं हैं उसकी उन्होंने वीडियो भेजी। और देखते रहिए सागर एमपी के ब्लॉग्स। मैं हूँ आपका दोस्त कार्तिक भार्गव, धन्यवाद।